नमस्कार, आप देख रहे हैं वीके न्यूज और मैं हूं आपके साथ शिल्पा गुप्ता। रामायण से जुड़े इतिहास के बारे में जानने की हर किसी को इच्छा होती है। पात्रों को लेकर आए दिन एक न एक खुलासा होता रहता है। खुलासों को देखकर तो यही लगता है कि रामायण का हकीकत से ताल्लुक है। श्रीलंका और रामायण को लेकर एक ताजा रिसर्च आई है। श्रीलंका में वो जगह ढूंढ ली गई है जहाँ रावण की सोने की लंका थी और जहाँ रावण के मरने के बाद उसका शव रखा गया था। लंका में आज भी रामायण से जुड़े कई ऐतिहासिक स्थल मौजूद हैं, जिनके बारे में हर कोई जानना चाहता है। श्रीलंका में कई ऐसी जगह हैं जो बीते हुए रामायण काल के इतिहास की गवाही देते हैं। बता दें, रिसर्च में श्रीलंका में 50 ऐसी जगह हैं जो खोजने का दावा किया गया है, जिनका संबंध रामायण से है। इसी रिसर्च में पता चला कि रावण का शव एक गुफा में रखा गया था जो श्रीलंका रेगला के जंगलों के बीच मौजूद है। श्रीलंका का इंटरनेशनल रामायण रिसर्च सेंटर और वहां के पर्यटन मंत्रालय ने मिलकर ये खोज की थी। आइए बताते हैं इस गुफा के बारे में। इस बात को तो सभी जानते हैं कि जब भगवान श्री राम और रावण के बीच युद्ध हुआ था, तब श्री राम ने रावण का वध कर दिया था। साथ ही रावण के अंतिम संस्कार के लिए उसके शव को रावण के भाई विभीषण को सौंप दिया गया था। विभीषण को रावण का शव सौंपे जाने के बाद रावण का अंतिम संस्कार हुआ भी या नहीं, इस बात को शायद कोई नहीं जानता। इस बात को 10,000 साल से भी ज्यादा हो गए हैं। दावा है कि यहाँ रावण की गुफा है जहाँ उसने तपस्या की थी। माना जाता है कि उसी गुफा में रावण का शव रखा गया था। रेगला के इलाके में ये गुफा 8,000 फुट की ऊंचाई पर है। रावण के शव को मम्मी बनाकर एक ताबूत में रखा गया है। बताया जाता है कि ताबूत पर एक खास किस्म का लेप लगाया हुआ है, जिसकी वजह से हजारों सालों से वो वैसा का वैसा है। ऐसा कहा जाता है कि रावण के शव को नाग कुल के लोग अपने साथ ले गए, क्योंकि उन्हें पूरा विश्वास था कि रावण की मौत नहीं हो सकती और वो फिर से जिंदा हो जाएगा। लेकिन ऐसा हुआ नहीं, इसलिए उन्होंने रावण के शव को मम्मी बना दिया ताकि वो सालों तक सुरक्षित रहे। साथ ही आपको बता दें, इसके अलावा भी श्रीलंका में ऐसी कई जगह हैं जो रामायण को वास्तविक बताती हैं। मान्यताओं के मुताबिक अशोक वाटिका वो जगह है जहां रावण ने माता सीता को रखा था। आज इस जगह को सेता एलिया के नाम से जाना जाता है। यहां आज सीता का मंदिर है और पास ही एक झरना भी है। इस झरने के आसपास की चट्टानों पर हनुमान जी के पैरों के निशान भी मिलते हैं। आपको हमारी ये खबर कैसी लगी हमें कॉमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। और ये खबर आपको पसंद आई हो तो इसे लाइक करिए और शेयर करिए। और अगर ये वीडियो आप हमारे फेसबुक पेज पर देख रहे हैं तो पेज को लाइक करना ना भूलें। और ऐसी इंटरेस्टिंग वीडियोस को देखने के लिए देखते रहिए वीके न्यूज़। शुक्रिया।